हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू बैंकॉक। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टाइम्स टू बी इन थाईलैंड। टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि हमारे जो पूरी की पूरी जापान सीरीज है उसमें इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। सो जी, वी आर फाइनली इन बैंकॉक एंड वी आर सो एक्साइटेड टू बी बैक हियर। सो वी गोना बी शूटिंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम थाईलैंड इन द अपकमिंग वीक। वी वांट टू शॉप फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर वी हेड आउट फॉर नेक्स्ट ट्रिप। तो उसी के लिए हम लोग बाहर आए हैं एंड वी आर इन द मॉनसूनस इन बैंकॉक, व्हिच इज एक्चुअली द वर्स्ट टाइम टू बी हियर। आई नो, मेरे पास डीएम्स में भी आते हैं मैसेजेस कि इफ दिस इज द राइट टाइम टू विजिट थाईलैंड। वी आर इन थाईलैंड राइट नाउ इन ऑगस्ट। वी आर गोना शेयर आवर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग थाईलैंड ड्यूरिंग दिस टाइम। वो बारिश जो है वो कभी भी हो जाएगी और वो कितनी भी देर के लिए होगी, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। मुझे एक बहुत ही कॉमन थिंग है दैट आई हैव नोटिस्ड इन द रीसेंट कपल ऑफ मंथ्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काफ़ी सही सही डील्स मिल जाते हैं दिस से इन थाईलैंड एंड इन दुबई। So we just wanted to check out some of the camera equipments that we really wanted to buy. So we just wanted to go shop, see ke abhi kya prices chal rahe hain, and we're going to take you along with us. So after that we're going to head out to eat some authentic Japanese food jiske liye hum kafi time se soch rahe the. Oh, this is unique. Ye kya dekh liya humne? Please do not touch. Oh my god. Like pas sahi banaya hai na, ekdam life size banaya hai. I know, ek second ke liye main soch rahi hu kya bana ye. तो जी, बैंकॉक में हर तरफ, अगर आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हो नियर सियाम पैरागॉन और जस्ट दी चितलॉम एरिया विच इज़ लाइक द हार्ट ऑफ बैंकॉक, यहाँ पे आपको हर तरफ ऐसे स्काई ब्रिजेस मिलेंगे विच विल हेल्प यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमने अपनी टैक्सी ली है टिल सेंट्रल वर्ल्ड एंड यहाँ पे आप देखो बारिश हो रही है, बट हम फिर भी फ्रॉम सेंट्रल वर्ल्ड विल बी एबल टू गो टू सियाम पैरागॉन मॉल यूजिंग दीज स्काई वॉक्स जो कि एकदम ही सारे फोन से इंटरकनेक्टेड है, विच इज़ रियली रियली कन्वीनियंट। बेस्ट पार्ट अबाउट दी स्काई वॉक्स इज द फैक्ट कि उन्होंने हमको बाहर की तरफ उतारा, टैक्सी ने हमें बाहर उतारा और हम लोग एक मॉल में एंटर किए और उस मॉल से होते हुए स्काई वॉक से होते हुए नाउ वी आर एंटरिंग दी सेंट्रल वर्ल्ड मॉल जो कि सब इंटरकनेक्टेड है। एंड मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ दी एप्पल एक्सपीरियंस सेंटर, लाइक प्रॉपर एप्पल एक्सपीरियंस सेंटर। यहाँ से हमने एक बार शॉपिंग करी है काफ़ी साल पहले, वी बॉट अ मैकबुक प्रो, आई थिंक मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो। वी गॉट रियली गुड डील बिकॉज उस टाइम पे भात का जो रेट था वो भी काफ़ी कम था, लाइक इट वॉज अराउंड 2.12 इंडियन रुपीज़ के आसपास। राइट नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.47। सो बैंकॉक इज़ नॉट चीप एनी मोर। सो इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड एवरी थिंग विच विल शो प्रॉब्ली इन द अपकमिंग वीडियोज़, उसमें आपको पूरी डिटेल्स हम शेयर करेंगे दैट हाउ एक्सपेंसिव इज़ बैंकॉक और हाउ एक्सपेंसिव इज़ थाईलैंड ओवरऑल। सो जी, नाउ वी आर एंट्रिंग द मॉल। आई एम सो अमेज्ड बाय द फैक्ट कि कितनी बारिश हो रही है बाहर और हम लोग ऐसे ही एक मेज़ से होते होते अंदर की तरफ घुस गए। एंड आई होप हम जिस जगह से एंटर कर रहे हैं वहाँ से ये शॉपिंग ना करें बिकॉज ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जी, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अरे आई एम जस्ट थिंकिंग, ले लो यार। सो इससे आपको पता चलता है कि आप इस एंट्रेंस से एंट्रेंस नहीं करना है। सो जी, थाईलैंड हैज़ डन सम रियली गुड मार्केटिंग फॉर द ओलंपिक्स, काफ़ी सही डेकोरेशन बना रखी है इन्होंने ओवरऑल। एंड इफ़ यू आर इन थाईलैंड आई एम श्योर दैट यू कांट मिस इन सम ऑफ दीज टी शर्ट्स और ये शॉर्ट्स, मुथाई के लिए तो फेमस है। मैं भी सोच रहा हूँ मुथाई ज्वाइन कर लूँ कुछ दिन। नॉट बैड, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। या एंड शुड आई बाय वन इफ यू डोंट माइंड? यू कैन, इट हैज 7-Eleven लोगो आल्सो एंड सीपी। सीपी इज अ वेरी फेमस कंपनी इन थाईलैंड बाय द वे, सो ये लोकल होम ग्रोन ब्रांड है। यू शुड गेट अ शॉर्ट्स लाइक दिस। नो, आई वुड लाइक टू गेट अ टी-शर्ट। यस, दिस इज स्पेशली इन केस यू आर लुकिंग टू गो फॉर मुथाई, दे हैव बॉक्सिंग ग्लव्स एज़ वेल, बॉक्सिंग का बहुत सारा सेट है इनके पास। आई थिंक आई एम जस्ट गोना गो फॉर अ वेरी, मैंने देखा मैंने ये जिम में भी ना यहाँ पे अगर मुथाई में भी सब पहन के घूमते हैं। हाँ सो जी, आई थिंक आई हैव मेड अ डिसीजन एक्सेल साइज, बट ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज ये जो कपड़ा है ना ये बहुत सस्ता कपड़ा है, तो आई एम श्योर दिस इज़ नॉट वर्थ 799। इफ़ यू आर इन थाईलैंड यू कैन नॉट मिस ओनिंग वन ऑफ दीज। 7-Eleven का भी बना हुआ है। ये एक्सेल साइज है बाय द वे, दिस इज़ एक्सेल और ये इतना टाइट हो रहा है मेरे को, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक वेयर में दिस इज गोइंग टू डाई। But it looks nice. Turn around.
Not bad. But the best part is this. This one. You cannot forget 7-Eleven. So, जी काफी ट्रायल कर लिया मैंने बट आई थिंक इट्स नॉट वर्थ 800 बात क्वालिटी काफ़ी बेकार थी सो डाउन साउथ जो हमारी रोड ट्रिप होने वाली है आई थिंक यू गोना सेव आवर मनी एंड टाइम फॉर दैट यू कैन गेट द सेम क्वालिटी देयर हाँ बट लेसर प्राइस आई एम श्योर ये वाली क्वालिटी आपको 300 बात में इजिली मिल जाएगी दैट्स व्हाट आवर एम इज टू फाइंड अ चीपर क्वालिटी प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय बाकी आज यहाँ पे भीड़ कम है इस मॉल में दैट यू कैन सी एंड लकीली वी आर डायरेक्टली ऑन द फोर्थ फ्लोर बाय द वे वेयर वी वॉन्टेड टू कम सो वी आर इन सेंट्रल वर्ल्ड मॉल यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स हैं बी इट लैपटॉप बी इट एप्पल बी इट एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा गियर दैट यू वांट टू बाय सो जी दिस इज आवर फेवरेट स्पॉट बिकॉज यहाँ पे बाय द वे इफ यू सी DJI मिनी 3 बट द ओल्ड वन आई मीन जिसमें ओल्ड मॉडल आता था रिमोट का दैट इज 18,900 बात एंड DJI मिनी 2 SE इज 12,900 बात विच इज एक्सट्रीमली चीप या And by the way, they also have Osmo Pocket 3 Creator Combo. Finally, because he was always out of stock. Rehta tha. And my eyes are really on this one, which is DJI Mini 4 and DJI Mini 4 Pro. But ye lunga, not now. Got to save some money before that. And yahan pe, aaj hum aaye hain dekhne ke liye Insta 360 X3. X4 bhi aa chuka hai market mein. But we really wanted to check out X3 and see what are the prices. By the way, yahan pe GoPro Hero 12, Hero 11. Oof. Hero 11 is 16,900, Hero 12 is 20,500. These are all creator combos, by the way. जिसमें आपका ऐसा पूरा होता है ना सेल्फी स्टिक एंड लाइट एंड माइक कनेक्शन सब कुछ होता है आई डोंट थिंक आई मीन इफ यू रियली वॉन्ट टू व्लॉग एंड मेक गुड क्वालिटी वीडियो देन Osmo Pocket 3 इज योर बेस्ट बेट एंड वी बॉट इट जब ये एब्सोल्युटली नया आया था एंड हमें 3 महीने की वेटिंग के बाद मिला था एंड हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत सही है एंड यहाँ पे यू इवन हैव दिस हॉलीलैंड लाख M2 ऑल इन वन ब्लूटूथ माइक जो बहुत ज़्यादा चलता है एंड दिस आई थिंक इसका प्राइस मेंशन नहीं है बट आई थिंक दिस इज़ क्लोज टू 6 या 8,000 के आसपास बट आई मीन दे आर बाय द वे यहाँ ये रहा ना इंस्टा 360 मोटरसाइकिल बन गई सो बेसिकली आप मोटरसाइकिल पे इसको ऐसे क्लैम्प कर सकते हो बट वी वॉन्ट समथिंग विच वी कैन क्लैम्प ऑन अ कार बिकॉज हम कार ड्राइव करके जाने वाले हैं ऑल द वे डाउन साउथ वी गोना डू अ लॉट ऑफ रोड ट्रिप विच इज़ अपकमिंग So, ji, when you get married, then you probably don't just need a budget. You also need approvals. You need use case. Use cases and approval. ये अपने दोस्त को ही बता रहा था थोड़े दिन पहले. When I told him that I want to buy maybe an X3, Insta X3 or probably a drone. तो कहता है जाके ले लो क्या बड़ी बात है. Then I showed him the use case जो मेरे साथ ही चल रहे हैं यहाँ पे. By the way, just looking out for a coffee place to sit down and decide which one we're going to buy right now. तो जी हम स्टोर से निकल गए एंड द फर्स्ट थिंग दैट शी सॉ दिस इज सो चीप 4590 दिस इज Xiaomi Robo Vacuum यस दिस इज 4500 दिस कैन हेल्प पिक अप माय हेयर E10 आई डोंट नो E10 है कौन सा है बट दीस आर द प्राइसेस E10 S10 एंड S10 प्लस ये वाला है दिस इज E10 4500 बात नॉट बैड Yeah. I can get it cheaper online. We even have the projector, by the way. We have 2 TV screens. But अगर मैं इंडिया गया ना तो मैं लेके जाऊँगा because जब क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, then this is your best bet. You really need a good projector. This is Xiaomi sports sunglasses. I don't know how it's different, but so these काफी are अलग लग रहे हैं. So जी these are Xiaomi sports sunglasses. UV protection, anti-reflective. आई थॉट ये स्मार्ट कैमरा सा कुछ होगा बट नहीं ये सिंपल सनग्लासेस ही है आई रियली वांट दोस Ray-Ban ग्लासेस स्मार्ट ग्लासेस उससे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के शॉट्स आ जाते हैं बट आई डोंट थिंक कि वी रियली नीड दैट सो जी दिस इज आवर फेवरेट स्पॉट इन सेंट्रल वर्ल्ड व्हाट डू यू वांट मे बी एनीथिंग नॉन कॉफी बिकॉज़ काफी सारे ऑप्शंस हैं डीकैफ तो नहीं है कुछ डीकैफ नहीं है सो जी राइट नाउ वी आर मेकिंग आवर माइंड वी आर वाचिंग अ वीडियो ऑन YouTube thinking what to buy we have 2 choices by the way main dekhta hu isko फटाफट so we have 2 choices right now because we sold off our drone earlier we're thinking should we buy a drone or should we get insta 360 because let's go get the drink because insta 360 you can take anywhere but drone ka humne jo experience kiya hai na bahut sari countries mein restrictions hoti hai you can't fly it within the city तो लेके जाना एंड देन वहाँ पे शूट ना कर पाना कैन बी वेरी डिसअपॉइंटिंग
तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए. By the way, our drink is here. Looks mixed. Quite colorful. Nice. This one is for 80 baht, by the way. तो इसलिए हमने सोचा कि maybe we can switch to Insta 360, but you can't get the kind of shots as you get in the drone. तो इसलिए हम लोग काफी dicey चल रहे हैं कि कौन सा लिया जाए. And should we even buy it or not? Because हमारा जो plan है वो initial plan was to buy a Mini 3 or Mini 4 Pro, but the price and everything is out of our budget for now because हमने obviously कुछ budget set कर रखे हैं. Again, like we said, use case भी तो होना चाहिए. तो अभी भी अगर हम लेके जाएंगे बाकी countries में अगर हम use नहीं कर पाए तो at least we should not be that disappointed because we are not going to spend that much. Yeah. So that's my point of view right now, and we are also that kind of people who don't want to switch to too many devices. तो एज इट इज़ हम लोग फुल टाइम नहीं कर रहे हैं यूट्यूब को, तो शूटिंग विद लिमिटेड टाइम लाइन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू हैव टू मेनी डिवाइसेस. सो आई वांट टू कीप इट लाइक वेरी मिनिमल. सुजी, द मेजर डिफरेंस बिटवीन DJI Mini 2 SE Plus वर्सेस द DJI Mini 2 दैट वी हैड इज़ कि Mini 2 SE जो है, जो हम लेने का सोच रहे हैं, यहाँ पर जो मिलता है उसमें 4K आप वीडियोज़ नहीं शूट कर सकते. सो वी आर एट द ऑफिशियल DJI स्टोर इन सेंट्रल वर्ल्ड मॉल. अरे यहाँ पे आप देखो सारे ड्रोन्स. ओह माय गॉड, दीज आर क्रेजी. एयर टू एस इनके पास है 43,000 का. फ्लाई मोर कॉम्बो इज 42. देन दे हैव DJI Mavic 3 विच इज़ 68,000. ओह गॉड, दिस इज़ द बेस्ट Mavic 3 Pro एंड ये है 73,000 बात जिसमें. लुक एट दैट जायंट. सो दिस इज़ एक्चुअली सिनेमेटिक ड्रोन्स. ये आप इसको प्रोफेशनल वे में ही यूज़ करोगे. लाइक For a vlog, I don't think it's required unless I'm shooting some next level travel photography. So, ji, they even have a Mini 3, which is 15,900. अगर आप Mini 3 normal लेते हो, fly more combo और DJI RC वाला लेते हो ना, remote वाला, then it is 22,900. And this is by far one of the best products from DJI. Lot of people have used it, but अब उनका काफी obviously range बहुत बढ़ चुका है. They have even Air 3 and Mini 4 Pro जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है. बट द वीडियो क्वालिटी इन Mini 4 नेक्स्ट लेवल है ना. दिस इज़ इसमें यही फ़ायदा ना दैट इसमें स्क्रीन आपका इनबिल्ट है. तो आपको अपना फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन रियली शूट अमेजिंग वीडियोज़ डायरेक्टली फ्रॉम द ड्रोन इटसेल्फ. एंड कलर ग्रेडिंग कर दो तो खैर फिर बात ही अलग हो जाती है. सो जी, वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाई दिस ड्रोन. दिस इज़ DJI Mini 2 SE फ्लाई मोर कॉम्बो. तो फाइनली हमारी ड्रोन की शॉपिंग हो गई है. आज काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे. अप्रूव हो गया आपका ड्रोन. हाँ, अप्रूवल आ चुका है हमारे ड्रोन का. एंड हम वैसे भी नहीं ले सकते. नॉट दैट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. सो जी, दिस इज अ ब्रांड न्यू ड्रोन. इसको हम अभी अपकमिंग अपने थाईलैंड का जो भी हमारा रोड ट्रिप होने वाला है उसमें यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद वी आर गोना टेक दिस बैक टू इंडिया. So if anybody is interested to buy a drone from us, so please feel free to comment down below. This is brand new as you can see, and probably when we are back in India in Delhi, we're gonna sell this off. So koi interested hai to comment karke zarur batana. So ji, it's time to unbox. This is the second drone that I have now. So purana wala was really nice. It was Mini 2. So ji, we finally have the drone. Please comment down if anybody wants it in October. So this is Banana, by the way. This is one of the biggest electronic outlets in Thailand. और यहाँ पे आपको literally सब कुछ मिलेगा. और यहाँ पे वो scooters भी हैं और वो suitcases जो होते हैं ना, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं हर तरफ. Yeah. So they have this one as well. So this, I'm not sure how much is this one. So, ji, this is 29,000. Oh, wow. Air wheel. Oh, that's too expensive. Yeah. So, ji, it's an extreme shopping day today. We have got the memory card also. This is Extreme Pro from SanDisk. यहाँ पे मुझे पड़ा है अराउंड 600 baht का. और यही अगर मैं DJI के स्टोर पे लेता तो ये कितना महंगा था DJI के स्टोर पे. Almost double the price. So, we are right now at Jib. Thank you. So, right now we are at Jib store. Yeah. यहाँ पे जनरली हाफ द प्राइसेस होते हैं. सो आइदर यू कैन चेक आउट एट जिप और एट बनाना. यहाँ पे मोस्टली आपको सारे
हार्ड डिस्क एक्सेसरीज जितने भी गेमिंग के आपके रिलेटेड स्टफ़ है यू विल फाइंड इट ओवर हियर सच अ ह्यूज स्टोर एंड इट्स ऑल गुड स्टफ सो वी जस्ट फाउंड आउट दिस लीजियन गेमिंग फ्रॉम लिनोवो आई थिंक लिनोवो का है ना ये दिस इज़ क्रेजी यार दिस इज़ ह्यूज विंडोज 11 सो जी वी हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट टुडे एंड आई थिंक इफ यू आर इन बैंकॉक सॉरी इफ़ यू आर इन बैंकॉक देर इज़ नो एंड टू हाउ मच यू कैन शॉप एंड वी आर लाइक आज तो हम एकदम क्लियर एग्जाम्पल हैं उसके ड्रोन हमने ले लिया वी आर एक्चुअली कन्फ्यूज बिटवीन बाइंग द X3 Insta360 X3 और अ ड्रोन सो या आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन आई एम श्योर इट इज़ प्रूव करना पड़ेगा इन द अपकमिंग डेज टू हर सो जी राइट नाउ वी आर वॉकिंग ऑन टू द सिक्स्थ फ्लोर वी आर एट द फोर्थ फ्लोर और हमने जैसे ही ड्रोन खरीदा आपने नोटिस किया हमने जैसे ही खरीदा यहाँ पे सब सारे स्टोर्स में सारा सब कुछ इज़ गेटिंग क्लोज ये इन्होंने बिग कैमरा भी यहाँ पे बंद कर दिया है I mean, it's only fair. It's almost 9:30. Yeah, usually यहाँ पे 9 o'clock सब कुछ बंद हो जाता है and even the restaurants and everything in Bangkok. अगर आप malls में हो, I'm not talking about any party places or actual places जहाँ पे आप night out के लिए जाते हो. अगर आप malls में हो, तो यहाँ पे mostly सब कुछ it closes around I think 8:30 के आसपास यहाँ पे आपको dinner के सारे options बंद हो जाएंगे. You'll not find anything to eat. So यहाँ पे they have put up all these hoardings for the Olympic medalists. काफ़ी सही है यहाँ पे हर तरफ इन्होंने ओलंपिक्स के लिए ना प्रॉपर डेकोरेशन किए आगे से आ जाओ सो जी दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट स्पॉट्स टू हैव फूड दिस इज़ कॉल्ड पेपर लंच बट आज हम यहाँ पे नहीं जाएंगे आज हमारा मन नहीं है पेपर में जाने का वेयर डू वांट टू ईट टुडे अलग ट्राई करना है उस तरफ वो जापानीज़ वाला था ना जहाँ पे हमने जापानीज़ खाया था ये वाला हाँ होपफुली खुला होगा बिकॉज इट्स 9:30 इज़ लाइक मिडनाइट फॉर देम सो जी दिस इज़ वेयर वी यूज टू ईट अब आई होप दिस इज़ कॉल्ड योशिनोया अभी भी हम जापानीज फ्लेवर में ही चल रहे हैं चलें जी होपफुली खुला हो उन्होंने क्लोज का तो नहीं लगाया हाँ खुला है सुमिमा से यहाँ बैठते हैं इस प्लेस उन्होंने हमें ग्रीट किया सुमिमा से आई थिंक दे नो दैट यू आर बैक फ्रॉम जापान सो जी वी आर एट योशिनोया एंड यहाँ पे दे लिटरली हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस तो वेजिटेरियन के लिए तो आप भूल जाओ वेजिटेरियन तो आपको नहीं मिलेगा यू हैव टू स्पेसिफिकली आस्क देम इफ दे कैन मेक एनीथिंग वीगन बट अभी हमें आदत हो गई है तो हम तो चिकन पे सर्वाइव कर लेते हैं सो वी आर नाउ जस्ट थिंकिंग व्हाट टू ईट सी लुक एट द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मेन्यू कार्ड्स दैट वी हैव फोर ऑफ दीस वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस इतने ज़्यादा मतलब डू वी रियली नीड दिस मच बट चलो देखते हैं चिकन लवर का भी सेक्शन है बट आई थिंक कॉल्ड ऑनसन लाइन बाय द वे आई कैन सी दिस इज पोर्क एंड बीफ चिकन ढूंढ रहा हूं मैं चिकन मिल जाए तो बढ़िया है इट्स लाइक अ रियली बिग चैलेंज टू फिगर आउट व्हाट टू ईट दिस वन दे डोंट हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस मालाडोन पोर्क और बीफ ही है इनके पास मोस्टली अब मुझे याद आ गया लास्ट टाइम हम जब आए थे ना तब भी हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे क्या खाया जाए तो जी आप यहां पे प्राइसेस भी देख सकते हैं दिस इज द टेरियाकी चिकन बोल एंड ये 189 का है लार्ज एंड सालमन भी है यहाँ पे इसके भी आप प्राइसेस देख सकते हैं 219 ओवरऑल सब कुछ अराउंड 200 बात के आसपास ही है सो दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ टू ईट इन अ रेस्टोरेंट लाइक दिस इन द हार्ट ऑफ बैंकॉक इन सेंट्रल वर्ल्ड मॉल सो आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या खाना है सो आई जस्ट हैव टू ऑप्शन एक्चुअली बोथ ऑफ अस हैव जस्ट टू ऑप्शन वन इज दिस टेरियाकी चिकन बोल एंड द अदर इज दिस ऑनसन एग करी राइस इसका खाना भी बहुत अच्छा है दिस हैज ऑथेंटिक जापानीज फूड तो यहाँ पे भी यू कैन ट्राई एंड गो इफ यू डोंट हैव एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इन लोगों के पास चिकन कम होता है तो इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मोस्टली you can never go wrong with food in Thailand yeah sab kuch I mean everything is really nice we have tried different cuisines humne Cambodia mein bhi khaya hai Vietnam mein bhi khaya hai Laos mein bhi khaya hai but jo essence aapko Thailand mein milta hai na Thai food mein that is unmatched and we have never regretted anything because anyways we don't eat a lot of seafood but agar aapko seafood ka shauk hai to usme bhi aapko kafi options milenge to ji bill aa gaya hamara khane se pehle to yahan pe sab bill pehle de dete hain और यहाँ पे बिल जैसे मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो में बताया था इन जापान
कि वो बिल जब देते हैं तो बिल को ऐसे टेढ़ा करके देते हैं. इन्होंने यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ला के रख दिया. बट आई थिंक दिस इज जस्ट एन ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट. मतलब स्टाफ तो अच्छे हैं ही. इट्स जस्ट यू नो दिस इज हाउ इट इज. नो कंप्लेंट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बाकी कंट्रीज में खाना पसंद नहीं आया. आई थिंक कंबोडिया में वी रियली लाइक द खमेर करी. आई थिंक इट वाज कॉल्ड खमेर करी. था वो काफी अच्छा था. इनफैक्ट इट हैड पोटैटोस. बढ़िया बढ़िया. उन्होंने आलू जो थे ना वो ऐसे बॉईल करके डाले थे और मसाले के साथ उसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था. जैसे इनका मसामान करी होता है बट स्लाइटली डिफरेंट. वी लव द टाइम इन कंबोडिया. कंबोडिया में वी वेंट टू सियाम रीप. बहुत अच्छा था. वी स्पेंड लाइक आई थिंक 4 days इन सियाम रीप. ब्यूटिफुल. वी लव्ड लुआंग प्रभांग इन लाओ. व्हाट डिड वी लाइक इन लाओ इन फूड? फूड विल टेल व्हेन वी आर देयर अगेन. कभी दोबारा एक ट्रिप बनाएंगे. आई थिंक लाओ में भी हमने बैगेट काफी खाया था. हां लाओ बेसिकली इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी. सो दैट्स व्हाई यू हैड लॉट ऑफ दीस बैगेट्स. फ्रेंच जैसा वियतनाम में होता है ना. वियतनामीज. ओह माय गॉड. फ्रेंच बानमी बोलते हैं उसे. वियतनामीज बानमी तो हम आज तक खा रहे हैं. बाय द वे आप देखो दिस मॉल इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे. एंड इट्स इज व्हाट हार्डली 9:45. मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है. बट इट्स क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्ट टाइम? 9:38. लिटरली यहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक. इज वन वेरी फेमस स्पॉट इन नियर पुकेट विच इज़ लाइक द बेस्ट सीनिक व्यू पॉइंट दैट यू कैन सी इन थाईलैंड. हम अभी तक वहाँ पे नहीं गए हैं. सो दिस टाइम दैट इज़ ऑन आवर लिस्ट एंड वी रियली वॉन्ट टू विजिट देयर. आई एम सो एक्साइटेड. मतलब ये ट्रिप हमारी एक्साइटमेंट से चल रही है. बट सैडली अभी यहाँ पे थाईलैंड में ओवरऑल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. इस चक्कर में बहुत सारे रीजन्स में ना फ्लड आ रखे हैं. देर इज़ ऑन गोइंग फ्लड इन Nan province which is in up north. Then you have then you also had floods in Phuket. So काफ़ी जगह floods के issues हैं and we don't want to be stuck anywhere. So we have to think and decide and plan accordingly. तो जी हमने मंगाया है total एक करी, एक दो मील मंगाई है, एक ड्रिंक मंगाया है ना. उसका हम पे करें अराउंड 378 baht. तो जी फाइनली our food is here. मैडम क्या मंगाया आपने? मैंने मंगाई है जापनीज करी. दिस इज किमची एंड दिस इज फ्राइड चिकन. दे डिडंट हैड ग्रिल्ड चिकन तो फ्राइड. सो मैंने मंगाया चिकन एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड राइस एंड दिस इज मिसो सूप. दिस इज द ट्रेडिशनल जापानीज फूड दैट यू कैन ट्राई. इट हैज टोफू है ना आई थिंक. इट टोफू होता है एंड बेसिकली सूप है. सो जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली डाइव इन. जी द फूड वॉज प्रिटी गुड एंड आई थिंक टुडे वी आर जस्ट टायर्ड बिकॉज हमारी ना कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है. एंड बड़ी हैरानी की बात है कि हम पहली बार एक मॉल में आए हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो रखा है. इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock राइट नाउ एंड सेंट्रल वर्ल्ड मॉल जहाँ पे अभी हम हैं ये वन ऑफ द बिजिएस्ट मॉल्स है बैंकॉक का. एंड इस वक्त दिस इज़ ऑलमोस्ट डेड साइलेंट. देयर इज़ नोबडी अराउंड. तो जी यहाँ पे मिनी ने अपना लगा रखा है एक छोटा सा मिनी एक्सपो. यहाँ पे प्राइसेस हैं जैसे ये वाली मिनी कूपर जो है ग्रीन कलर में. दिस इज सो चीप 1.6 मिलियन बाद तो आप इसको कन्वर्ट करके लगा सकते हो एज कम्पेयर टू इंडिया कितने की मिलती है और यहाँ पे कितने की है. दिस इज़ ऑल इलेक्ट्रिक मिनी कूपर एसी. दिस इज़ 1.6 मिलियन बाद नॉट मोर. सिमिलरली द अदर वन दिस वन इज़ ऑल्सो 1.6 मिलियन. But this looks so beautiful in this color, na? I know. 2 years mini extended warranty. I like that color also. Installment is 12,000 baht. Not bad. हम हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे अभी. हम कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में. And again, this is 1.6 million baht. I like that one. And the other one, that one, all electric mini Aceman. That is 2 million baht. This looks beautiful, but I think electric. जब तक इंडिया में इसका एक proper infrastructure बनेगा नहीं, तब तक electric का उतना मजा नहीं है, ना? Yeah. This just reminds me of Italian Job movie. Yeah. But आप इसके prices देख सकते हो and this is all electric. It looks beautiful and especially in this color scheme it's just amazing. I know. This color ये जो इसके alloys हैं 18 inches. Oh, beautiful यार. This is so cute. Yeah. This is 1.6 right? 1.6 million baht मतलब close to 42 lakh Indian rupees. बैड इंडिया में कितना है? इंडिया में 70 के क्रॉस होता है. 60 70 मोर देन दैट.
टैक्सेस का फ़र्क है आई थिंक। तो गाइस किसी को चाहिए हो तो बता देना, हम ले आएंगे चला के। हाँ तो जी, चलाने से याद आया कि बहुत जल्द कह रहे हैं कि देर इज़ दिस हाईवे दैट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून कनेक्टिंग बैंकॉक टू कोलकाता, तो इट्स कॉल्ड बिम्सटेक करके जो उनका एक ओवरऑल ट्रीटी है उसके साथ ही ये बनने वाला है। बट आई रियली डाउट कि इसको अभी इतनी जल्दी खुलेगा बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट इज़ देयर इन म्यांमार। बट अगर ये खुल जाता है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ह्यूज बिकॉज लॉट ऑफ इंडियन टूरिस्ट इंक्लूडिंग अस, बिकॉज एज यू नो दैट वी लव ड्राइविंग, सो आई वुड लव टू ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम बैंकॉक टू इंडिया। देखते हैं कब हो पाएगा ये, कब पॉसिबल होगा। सो यहाँ पे जो मिनी प्लांट्स इन्होंने बना रखे हैं, दीज आर एक्चुअली लाइव प्लांट्स, दीज आर नॉट डेकोरेटिव, है ना? या कुछ बोलते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, छोटे छोटे फॉरेस्ट हैं बेसिकली। इन्होंने एसेंस सा बना रखा है, फ्लावर गैलरी, इट्स सो गुड, आई लव दिस वन, बहुत सही लग रहा है। बट दीज आर प्रीटी एक्सपेंसिव, वो वाला जो है ना दैट इज 5500 बार। अरे ये तो बिक्सी वाले जा रहे हैं हमारे घर से ले आए, छोटे छोटे जा रहे हैं उन्होंने, उसमें इन्होंने बना रखा है। दिस इज 2200, नाइस। ये वाले 470 बात के, नहीं ये सस्ते हैं, दिस इज 500 के आसपास, ये छोटा है, दिस इज 470। बट इफ आई वुड एवर गेट समथिंग आई थिंक ये वाला ना बहुत ज्यादा, दिस वन ना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई आल्सो लाइक द दिस वन ट्यूब वाला, ये वाला दिस थिंग इट्स नाइस। सो जी, वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ द सेंट्रल वर्ल्ड मॉल, ऑलमोस्ट सारे गेट्स इन्होंने बंद कर दिए हैं, यहाँ का मेन गेट है ये बंद है। और राइट आउटसाइड दिस मॉल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। दिस फूड मार्केट ये कभी कभी होता है और कभी कभी ये फूड मार्केट नहीं होता है, पूरा कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। और कितना ह्यूज लग रहा है ये, एंड इट्स स्टिल रेनिंग बाय द वे, सो आई एम नॉट श्योर कि लोगों का इंटरेस्ट अभी भी कम नहीं हो रहा है खाने से। तो जी मॉल बंद हो गए हैं अंदर के सब जगह, सारे मॉल्स बंद हैं, सारे स्टोर्स बंद हैं। बट लुक एट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, इट इज़ क्लोज टू 10:40 और अभी भी इतनी जनता यहाँ पर है। कुछ कहना चाहेंगे आप? इसी ट्रैफिक में होके जाना है हमें अभी। तो ट्रैफिक को बीट करने के दो निंजा तरीके हैं, वन इज़ दैट यू कैन टेक अ बाइक टैक्सी, एंड टू यू कैन टेक अ टुक टुक। उसके अलावा तो आपको खड़े ही रहना पड़ेगा नो मैटर विच अदर ट्रांसपोर्ट यू यूज। एंड आई थिंक बाइक टैक्सी इज योर बेस्ट बेट बिकॉज अदरवाइज आप सही में काफ़ी देर खड़े रहोगे, एंड इट्स एक्चुअली प्रीटी चीप, 50 बात में ऑलमोस्ट आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट ट्रैफिक। तो जी दिस प्लेस इज कॉल्ड बिक्सी, एंड ये है बिक्सी का सुपर सेंटर। सो बिक्सी इज़ लाइक अ शॉपिंग प्लेस, जैसे इंडिया में हमारे बिग बाज़ार और ये सब हुआ करता था, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग प्लेस दैट यू कैन फाइंड इन बैंकॉक। एंड यहाँ पे आप भीड़ देखो, दिस इज़ 11 o'clock ऑलमोस्ट 10:45, और आप यहाँ पे भीड़ देखो कितनी है, आई मीन फुल ऑफ काउंटर्स, एंड यू इवन गेट टैक्स रिफंड हेयर। सो आई मीन दिस इज़ योर बेस्ट प्लेस टू कम इफ यू वॉन्ट टू शॉप। But honestly, this is one place that we both hate in terms of... Not hate, but we don't like it that much. Haan, because it's super crowded and at all times. So, ji, ye ek bahut chota sa vlog humne banaya just to give you an update of where we are, what we are doing, and also take you along on this small shopping spree jis pe hume hamara ye drone khareedna tha jo humne khareed liya finally. And agar video yahan tak dekh li hai to please make sure that you like, share, subscribe and comment if you want the drone in next 2 months. मतलब वी आर गोइंग टू सेल इट, ऐसा गिव वे नहीं है, बट अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। बाकी आई थिंक विल कीप इट टिल है, बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू वेरी वेरी सून।